यहाँ पर सामान उतरवाने लग रहे हैं, आप देख लीजिए कार में से। और पापा जी ने दरवाजा खोल दिया है और सामान ये देख लीजिए। Hey guys, what's up? Happy Diwali guys. ये सामान लेकर जा रहा है। और आजा विहान, तू भी आजा। अब फटाफट ये सारा सामान हम जचा देते हैं। बेटा अंदर आजा, आजा बच्चे, आजा आजा, कोशिश करो, आजो, आजा आजा। कुछ इस हालत में मैं इस घर को छोड़ के गई थी, इतनी बुरी हालत नहीं है आप देख सकते हो, बट अभी काम करना है थोड़ा सा और इस घर पे। ये पीछे वाला कमरा है, मैं कुछ चीजें लेकर आई हूँ, इस घर को अभी और सजाऊंगी क्योंकि आज दिवाली है। तो ये देखो, ये सारा सामान मैं डेकोरेशन के लिए लाई हूँ। ये ना घर छोटा जरूर है, पर अगर ढंग से जचा के रखे तो अच्छे से मैनेज तो हो जाएगा। और यहाँ पर ना पापा जी जो दीपक होते हैं, दिए होते हैं, उनको निकाल रहे थे और यहाँ स्लैब पे रख रहे थे क्योंकि रात को ये लगाने थे। और मेरे भाई के वैसे मुझे उसको जाना था, उसका फ़ोन आ रहा था, फिर भी मैंने उसको 5-10 मिनट के लिए रोक लिया। मैंने कहा बस ये काम करवा जा, तकियों के ऊपर ना कवर चढ़वा जा, क्योंकि मैं तकिए, ये कुशंस, कवर, ये सब इसीलिए लेकर आई थी ताकि घर थोड़ा सा और सुंदर दिखे। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप देख लीजिए। आप जो भी कमेंट्स करते हो मैं उसको मतलब फॉलो भी करती हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश मेरी यही है कि ये वाला घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे, अच्छा लगे अंदर से। मींस ठीक है, मानते हैं कि घर छोटा है, पर घर फिर भी, लेकिन छोटा घर भी अच्छा लगे दिखने में, कोई बाहर से कोई बंदा आए तो उसको अच्छा लगे, तो इसीलिए देखिए। और ना मैं दो तरीके के कुशन कवर्स लाई हूँ, कलर्स मैं एक ही कलर नहीं लाई हूँ कि अगर ये सोचे कि हाँ सिर्फ ब्राउन कलर ले आई हूँ, क्योंकि ना घर कमरे के अंदर ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ना हमें थोड़ा सा अलग कलर भी यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अलग तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ये क्रीम कलर के कुशंस ले आई थी कि ब्राउन और क्रीम कलर को कुछ मिक्स करके मैं कुशन कवर, क्योंकि सोफ़ों की ना शो तो कुशन कवर्स के साथ ही होती है, कुशंस के साथ ही, जब वो लगा के जचाते हैं तभी उसकी रौनक आती है। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी तो आपको देख के खुद बोलोगे कि हाँ सोफों की रौनक तो अब बनी है, अब अच्छे देखो लग रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये चार मैंने इस यही चीज सोच के लेकर आई थी कि ना थोड़ा सा एक ही कलर नहीं लेकर आई मैं, इसीलिए मैं देखो दो पैकेट इसीलिए लाई थी मैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये देखो विहान बाबू आ गया, विहान कह रहा है नहीं मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना खुश हो रहा है। और यहाँ पापा जी भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, इसमें फिल करने लग रहे हैं क्योंकि अभी और जरूरत पड़ेगी, पर अच्छा लग रहा है ना देखो कितना ज्यादा। चलो ये भी लगा देती हूँ, मैं बताती हूँ ये मैं कहाँ के लिए लेकर आई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के। ये मैं इस जगह को कवर करने के लिए लाई थी, जगह बहुत खराब लग रही थी, ये जगह अच्छे से कवर हो जाएगी हमारी। ये देखिए आप, कुछ तो होगी ना सही, बट कुछ तो नहीं, काफी छोटा लग रहा है, ये जो सोचा था उतना नहीं हुआ है ना अपा जी, ये इतना ज्यादा। अब दिखा दो एक बार ऊपर नीचे, ये पूरा कवर नहीं हुआ, फिर भी अच्छा लग रहा है वीडियो में तो ठीक लग रहा है ये, पर सोच के कुछ और लाई थी मैं, ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा, बट नहीं हुआ, इसके लिए साइज छोटा रह गया ना, ये कहीं और भी आ सकता है, फिर देखते हैं कुछ सोचेंगे इसका क्या करना है। मुझे लग रहा है कि ना पीछे ब्राउन वाले ज्यादा अच्छे लगेंगे, देखियो कौन से अच्छे लगेंगे ज्यादा, ये अच्छे लग रहे हैं ब्राउन, यहाँ लाइटिंग थोड़ी कम है, डार्क अच्छे लगेंगे, ये डार्क ना मैं ब्राउन ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ, यहाँ से तो देखिए जैसा था वैसा है, कुछ बच के पिलो कवर्स जो कि मैंने यहाँ पर रख दिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। और ये रजाई है जो कि मेरा भाई लेकर आया है पापा जी के लिए, तो ये यहाँ पर रख दिया है। पर्दे नहीं लग पाए आज, बहुत सोचा था कि लग जाएंगे, पर अब दिवाली के बाद ही लगाएंगे पर्दे, उसके बाद और अच्छी घर की एक अलग ही लुक लगेगी। और यहाँ पे देखिए ये छोटा आ गया, अब मैं देखूंगी, चलो जो है सही है, अब तो इतना बुरा नहीं लग रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस कमरे की लुक, तो इस कमरे में बस इतना है, एंट्री है, एंट्री के बाद ये देखो मैंने तीन लगा दिए यहाँ पर, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ बस मेरा ये टोनू बैठा हुआ है, अभी ऊपर का मेकओवर हम करेंगे दिवाली खत्म होने के बाद। और अब मैं आपको दूसरा कमरा दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने अपने सोनू मोनू से बैठा दिए हैं दोनों गुड्डे, देखो यहाँ आराम से रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इधर से। और ये देखो पहले तो मेरा
मेरा चुन्नू मुन्नू क्या कर रहा है ये बर्तनों के साथ खेल रहा है, रसोई की तरफ बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। ये देखो यहाँ मैंने दरवाजे पे अपना ये चाबी रखने का लगाया हुआ है और मैं अब आपको लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैं इस बार स्पेशल दो तकिए और लेकर आई हूँ। पहले दो तकिए थे, इसका एक छोटे साइज में है। देखो आप तकियों का साइज आप देख सकते हो, ये मैं पहले लाई थी बड़े साइज के तकिए थे, अब मैं छोटे साइज के तकिए लाई हूँ। तो ये चार तकिए हैं यहाँ पर, ये बोल्स्टर्स बोलते हैं इनको, ये भी है। और इनके कवर में फिर से लाना भूल गई, मुझे नहीं याद रहा, इतनी भीड़ थी ना बाजार में। तो ये है, साथ में यहाँ पे मैंने कंबल रखा हुआ है। और सामने देखो सोफे का मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सोफा, अब तो शो बन गई है। नीचे को कारपेट भी बिछा दिया है और यहाँ पे देखो ये ऊपर मंदिर है। किचन का काम हम बाद में करवाएंगे तो आप फटाफट देख लो, क्योंकि फिर मैं निकल रही हूँ यहाँ से विहान को लेके, मेरा भाई भी इंतज़ार कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की लुक लग रही है मेरे कमरे की एंट्रेंस की। ये देख लो आप, ये बैक कमरा है, ये भी कुछ इस तरीके से लग रहा है। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे। और रसोई पे तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, रसोई का तो काम कुछ करवाया ही नहीं है अभी हमने, अभी रसोई यहाँ पर शुरू भी नहीं करी है, अभी रसोई करेंगे, ऊपर वो बनवाने हैं। आप बता रहे थे ना कौन सी अलमीरा बोलते हैं उसको, कस्टमाइज अलमीरा कहते हैं, कुछ नाम आपने मुझे कॉमेंट में बताया था, तो वो ऊपर मैं बनवाऊँगी, फिर ये अच्छी बन जाएगी रसोई भी। तब तक ये खेल रहा है, इसके लिए खिलौने हैं ये सारे बर्तन ना। तो ये हमारा कमरा है, कुछ इस तरीके से लग रहा है, पर असली शो इस कमरे की तब लगेगी जब पूरे घर में हमारे कर्टेंस लग जाएंगे, है ना जी? पापा जी नान डाल रहे हैं, ये देखो आप, ये नान आए हैं इस तरीके से, और विहान बड़ा खुश हो रहा है नान देख के। बाबू एक बार इधर घर आई हुई थी, थोड़ा सा इसमें मेरा कुछ प्रमोशनल वीडियो का सामान था तो उसकी वीडियो मैंने बना ली आराम से बैठ के, अब मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या होता है, मेरा जब भी सामान आता है ना मैं उसी वक्त हाथों हाथ वीडियो बना देती हूँ, मतलब ये नहीं करती कि मतलब बाद में बनाऊँ तब, और फिर जब मुझे पता, मेरे को बोला जाता है ना कि हाँ आज वीडियो डाल दीजिए, मैं पोस्ट कर देती हूँ, मैं बहुत पहले ही, मतलब मैं एडवांस में काम करती हूँ, मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, वरना मेरे दिमाग में रहता है निधि ये रहता है ये काम करना है। इस रूम की हालत देख लो आप, कैसे बिखरी बिखरी सी हो रखी है ना, कुछ ज़्यादा ही बिखरी हो गई है। तो हम फटाफट ना इस कमरे की सफाई करते हैं, तो चलो लगते हैं। मैं क्या कर रही हूँ मैं बता देती हूँ, देखो ये इतने सारे कपड़े हैं, मैंने अभी ट्रंक में से कुछ निकाले हैं, कुछ पहले के रखे थे, यहाँ पे देखो मैं तय करने लग रही हूँ कपड़े, ये सारे विहान की जैसे पजामी हैं, फिर मिलती नहीं है, देखो तय कर करके सारे कपड़े इसके अच्छे से मैनेज करके यहाँ इस ट्रंक में, स्पेशली ये ट्रंक में विहान का बनाऊंगी सर्दियों का, और उसको मैं अपने कमरे में, जो मेरा यहाँ पे कमरा है मेरी मम्मी के घर में, उसमें रखूंगी ताकि मेरे को अच्छे से मिल जाए। और ये पता है क्यों रो रहा है, क्योंकि ना विहान के मामा इसे मेरे पास छोड़ गए, कि थोड़ी देर में आ रहा हूं मैं लेने से, और ये बस रोना शुरू हो गया है, इसको मामा के पास जाना है, घूमने जाना है तो थोड़ा सा इसे जुखाम हो रखा है, तो मेरे को अभी थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगा ब्लॉगिंग की ब्लॉगिंग हो जाएगी और मैं अंदर ही घर पे ही रहना चाह रही थी, तो मैं लगा काम कर लेती हूँ मैं फटाफट ये सारा। क्या हो गया बच्चे? ओ आ जा बाबू, ओए मान जा। अभी रिसेंटली मैं ये रुमाल लेकर आई थी और मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी काम आ जाएंगे ये, पहले मुझे जुखाम हुआ विहान को, मैं तो ठीक हो गई हूँ, पर ये ना बच्चे की ठंड माँ के, सॉरी माँ की ठंड बच्चे को लगती ही लगती है, तो ये खाली मैंने कर दी है और अब मैं ये काम निपटाती हूँ। ये वाली देखो, ये पजामी है ना विहान की, पिछले साल की है, देखो विहान के टाइट थी तो ना मम्मी ने इसका नीचे का निकाल दिया इस उम्मीद में कि ये इस साल आ जाएंगी विहान के, पर पता है मैं बता रही हूँ इस साल भी नहीं आएंगी। मैं एक तरीका बताती हूँ इसको ना, पता है क्या करूँगी मैं, जैसे पानी में धोऊंगी, पानी में धोने के बाद ना जब ये गीली होगी, थोड़ी थोड़ी सी गीली होगी, थोड़ी सूख जाएगी ये पजामी, तो इस पर गर्म गर्म प्रेस लगा देंगे, जब हम गर्म प्रेस लगाते हैं ना गीले कपड़े पर, और वो भी थोड़ा सा जैसे इस टाइप का कपड़ा होता है, तो वो एक्सपेंड होता है, वो फैल जाता है, और फिर बहुत ढीली ढीली सी हो जाएगी, फिर विहान के आ जाएगी सर्दियों में, क्योंकि थोड़ा टाइम और पहन लेगा। देखो कहीं है, कम से कम 10-12 है इस साइज की पजामियां जो पिछले साल पहनाई थी, तो मैं ये करने वाली हूँ। देखो मुझे क्या मिला है,
विहान का लंगोट, ये ना जब छोटा सा था ना तब हमने बहुत सारे लंगोट बनवाए थे ये सोच के कि ये काम आएंगे, बट ये इतने ज्यादा बस ये गर्मियों में थोड़े बहुत पहनाए जाते हैं, वैसे देखो नए के नए रखे हुए हैं। विहान के तो सारे कपड़े देखो इसमें मैंने डाल दिए हैं, पर इसके बावजूद इसमें काफी जगह बच गई है, तो इसमें मैं अपने कपड़े भी सारे सेट कर रही हूँ। सामान मैंने सारा सेट कर दिया इसमें, तो ये मैं कर देती हूँ बंद। यहाँ मेरे पापा जी यूज़ कर रहे हैं अपना मोबाइल फ़ोन, और कमरा पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ये जगह थोड़ी सी मैंने खाली कर दी है, झाड़ू लगा दिया है इधर, कुछ इतना कर दिया है मैंने कमरा। अभी ये सारा सामान मैंने जो भी था एक बार मैंने बाकी साफ़ करके कोने में लगाया है, मैं फिर देखूंगी इसमें क्या क्या है, छांटूंगी मैं सामान। तो मैंने क्या किया, इस साइड कुछ वैसी छोटी सी रजाई वगैरह रखी थी वो रख दी, यहाँ विहान के ये घोड़ा गाड़ी साइकिल रख दी है, इसमें देखिए मैंने सारा सामान अच्छे से लगा के प्रॉपर, देखो कितने अच्छे से कैसे पड़ी थी ना ये, प्रॉपर सेट करके इसमें विहान के कपड़े, मेरे भी कुछ कुछ कपड़े रखे हैं नीचे, इसमें मैंने विहान के सारे टॉयज रख दिए हैं टेंट हाउस में। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉर्ट आउट करती हूँ मैं, बस ये रह गया है देख लीजिए आप, बाकी कमरा तो हो गया है। इस हिस्से को काफ़ी कम कर दिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया है, मैं देखूंगी बाकी आप देख सकते हो बाकी कैसी हालत थी। मैंने काफ़ी हद तक सारा काम लगभग कर ही दिया है, ऊपर भी तय करके सामान लगा दिया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है।